जो अधिवेशन है वो पहला दिन है और इस पहले दिन में स्टीयरिंग कमेटी की जो बैठक है वो संपन्न हो चुकी है। हमारे साथ अलका लांबा जी हैं, उन्हें बातचीत करते हैं। मैम, पहला दिन है, स्टीयरिंग कमेटी की जो बैठक है वो संपन्न हो चुकी है, कितना कारगर साबित रहेगा जो महाधिवेशन है? देखिए, ये महाअधिवेशन पर 15,000 कांग्रेस का जो डेलीगेट है वो पहुँच चुका है, इस पर मंथन शुरू हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा के दो मकसद थे, देश को जोड़ना और देश के जो मुद्दे हैं, जो हाशिए पे हैं, उसे केंद्र पर लाना। दोनों काम करने में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कामयाब हुई है। राहुल गांधी जी ने देश के, चाहे कर्ज में डूबा किसान हो, मनरेगा का मजदूर हो, महंगाई की मार झेल रही हमारी महिलाएं हो, बेरोजगारी की मार झेल रहा पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार हो, सरहद पे मिल रही चुनौती और देश का जवान हो, आदिवासी दलित हो, सबकी बातों को राहुल गांधी जी ने संसद में सुमीत से उठाया कि केंद्र की भाजपा सरकार जवाब देगी लेकिन प्रधानमंत्री जी को ना मजाक उड़ाएगा। इन्हीं सब मुद्दों को दोबारा से कांग्रेस के 137 साल पुरानी पार्टी के 85वें अधिवेशन में आप चर्चा करते हुए आगे का रास्ता निकालते हुए देखेंगे। 140 करोड़ की आबादी को मैं कहना चाहती हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी ताकत बनकर इस देश के लोगों के साथ खड़ी है, किसी तरह का भी धोखा नहीं होने देंगे। हमें मालूम है CBI हो, ED हो, पुलिस हो, संवैधानिक संस्थाओं से डराने की कोशिश लगातार भाजपा कर रही है। ED को भेजा जाता है बीच अधिवेशन में विधायकों को डराने के लिए, उन्हें रोकने के लिए। पुलिस को असम से बुलाकर दिल्ली भेजा गया, हमारे नेता को प्लेन से उतारा गया और सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार तमाचा लगाया और नेता को रिहा करके आज हमारे बीच में। तो भाजपा को समझना चाहिए कांग्रेस डरने वाली नहीं है, देश के मुद्दों को उठाएंगे। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि नफरत के बाजार में, भाजपा संघ के लगाए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और पहली हमने शुरुआत हिमाचल प्रदेश से कर दी। हिमाचल में डबल इंजन की सरकार को हमने हरा दिया। मैम, भारत को कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात लग, देखिए मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र है ना, ये सब होगा नहीं। होगा देश में वो जो संविधान में लिखा है, संविधान में जो लिखा है ये देश का बंटवारा हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पे करना चाहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पे बना लिया। देश ने, भारत ने क्या चुना, धर्म निरपेक्ष देश होगा, चाहे हिंदू मुस्लिम बौद्ध जैन ईसाई सब रहेंगे और सबको समान अधिकार रहेंगे। ये है संविधान और देश संविधान से चलेगा। ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेत्री अलका लांबा जी। हिंदू राष्ट्र के जब हमने सवाल किया तो इन्होंने कहा कि जो भारत है वो संवैधानिक देश है, जो संविधान के आधार पर चलेगा, ना कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है उस पर चलेंगे। रायपुर साइन 24 के लिए मैं सोनी मालकर।